हमारी सोच है कि महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के किसानों को गरीबों को बेरोज़गार युवाओं को मदद की ज़रूरत है रोज़गार महंगाई मेन इश्यूज हैं और हमने क्लियरली बोला है हर भाषण में मैं बोलता हूं कि हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है तीन हज़ार रुपये हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए किसानों के लिए तीन लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा सोयाबीन के सात हजार रुपये प्रति क्विंटल प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमिटी फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में कर्नाटक में करवा रहे हैं वो हम महाराष्ट्र में करवाएंगे एक है तो सेफ है ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं स्ट्रेटजी का लक्ष्य है देखिए एक है तो सेफ है धारावी का मैप है ये भी दिखा दीजिए दूसरा पोस्टर दीजिए ये एक, एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है ये आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं एक है तो सेफ है और ये लक्ष्य है तो उन्होंने अपना नारा दिया है हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे क्या आपको लगता है कि इन सारी स्लोगन्स के वजह से महाराष्ट्र के डीएनए को नहीं उनका होने जो स्लोगन मेन जो स्लोगन है एक है तो सेफ है वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है एक कौन है एक नरेंद्र मोदी जी हैं अदानी जी हैं अमित शाह जी हैं सेफ हैं तो कौन सेफ है अदानी जी सेफ हैं कष्ट किसको होगा धारावी की जनता को होगा नुकसान किसका होगा धारावी की जनता को होगा जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं जिसका एक चिन्ह धारावी है उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है तो लड़ाई यही है नारा उन्होंने दिया हमने आपको समझा दिया इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है और बिल्कुल सही नारा है एक है तो सेफ है सवाल है सेफ कौन है सेफ किसका है एक कौन है यह सवाल है राहुल जी आज मार्केट में किसानों को सोयाबीन का चार हजार रुपया करीबन रेट मिल रहा है एमएसपी है चार हजार आठ सौ तीस रुपया तो आपने कहा है कि हम लोग सात हजार देंगे अगर सत्ता पे आएंगे तो और प्लस बोनस तो चार हजार और सात हजार प्लस बोनस ये जो डिफरेंस है वो कहाँ से कांग्रेस कॉम्पेंसेट करेगी ये हमने सारे कैलकुलेशंस कर रखे हैं हमारा एक्सपीरियंस है हमने ऐसी ही पॉलिसी छत्तीसगढ़ में चलाई हैं तो फाइनेंशियली देर इज नो प्रॉब्लम दिस इज इजिली फिजिबल वी हैव डन ऑल द कैलकुलेश स्टडी किया है हमने अगर आप डिटेल चाहते हैं तो हमारी टीम से हम आपको पूरा फाइनेंशियल डिटेल्स ये जो हमारी ये जो हमारी कमिटमेंट्स हैं इसका पूरा फाइनेंशियल डिटेल हम आपको दे देंगे ये देखिये ये देखिए बीजेपी को डिस्ट्रैक्ट करने की आदत है मैंने आपसे कहा कि मेन मुद्दा रोजगार का है उसके बाद मैंने आपको ये आठ प्रोजेक्ट्स की लिस्ट थी राइट जो डिटेल कर रहे हैं कि सात लाख करोड़ के प्रोजेक्ट यहाँ से गए और पांच लाख युवाओं को जो रोजगार मिलना था वो महाराष्ट्र की सरकार ने यहाँ से भेज दिए धारागि की जमीन की बात की एक लाख करोड़ रुपए का की वैल्यू है महाराष्ट्र की है मुंबई की है मुंबई के लोगों की है वो आपके सामने छीनी जा रही है जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको परे किया जा रहा है ठीक है किसानों को सही दाम नहीं मिलता है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है महंगाई है अब बीजेपी इन सवालों के जवाब कैसे दे वो दे ही नहीं सकती है तो डिस्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मगर डिस्ट्रैक्शन होगा नहीं लास्ट क्वेश्चन साहिल जोशी सर, आ, कल जो महाविकास आघाड़ी की रैली हुई थी वहां पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि अडानी का टेंडर रद्द करेंगे क्या आपको लगता है कि आप और शिवसेना यूबीटी इस बात पर ज्यादा पॉलिटिकली अलाइंड है आइडियोलॉजिकली आप ज्यादा अलाइंड है कल आपके ट्वीट का भी उन्होंने जिक्र किया था जो आपने बाला साहब ठाकरे के इस पर किया था तो आपको लगता है कि आप दोनों ज्यादा अलाइंड है इस चीज देखिए सिंपल सी बात है हमारी जो सरकार आएगी वो महाराष्ट्र के लोगों की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगी जो धारावी में हो रहा है वो महाराष्ट्र की जनता के इंटरेस्ट के खिलाफ है वो धारावी के जो रेजिडेंस हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है वो मुंबई के जो रेजिडेंस हैं उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है हम महाराष्ट्र के मुंबई के और धारावी के जो रेजिडेंट्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे इसीलिए हम एक साथ खड़े हैं और जो उधव जी ने कहा है वो सही है और उसका मैं सपोर्ट करता हूँ